महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। खबर है कि जिन VHP कार्यकर्ताओं ने गोवंश पकड़वाया, बदले में पुलिस ने उन्हीं कार्यकर्ताओं को उनके ही गांव में अर्ध नग्न करके बेल्ट से पीटा है। इस मामले में SP नांदेड़ ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 1 फरवरी को नांदेड़ के तल्लारी गाँव में रहने वाले व्हिप कार्यकर्ताओं को गाँव से ही तेलंगाना में गोवंश तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद VHP के लोगों ने पुलिस प्रशासन को तस्करी की सूचना दी। यही नहीं, व्हिप के लोगों ने सड़क पर ही गोवंश की गाड़ी को रोक भी रखा था, लेकिन व्हिप के आरोपों के मुताबिक मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस उनसे ही भिड़ गई और काफी कहासुनी हुई। व्हिप कार्यकर्ता किरण राव ने बताया कि इस बीच 4 फरवरी को स्थानीय मेले में ही गोवंश पकड़ाने वाले लड़कों की कुछ अन्य लोगों से बहस हो गई, लेकिन आरोप है कि 50 से 60 लोगों में से सिर्फ उक्त स्थानीय पुलिस अधिकारी ने चुन चुन कर उन्हीं लड़कों को बुलवाया और पूरे गाँव के सामने जिन्होंने गोवंश की तस्करी को लेकर शिकायत की थी और वरिष्ठ लोगों को कहकर FIR के लिए दबाव बनवाया था, उन सभी लोगों को बारी बारी से आधे कपड़े निकलवाए गए और बेल्ट से सबके सामने बुरी तरह पीटा गया। वीडियो में पिटाई करता हुआ पुलिसकर्मी साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।